पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज खिलाड़ी शोएब मलिक की टीम जाफना किंग्स ने लंका प्रीमियर लीग 2021 का खिताब जीत लिया। फाइनल मुकाबले में उसने गाले ग्लैडिएटर्स को 26 रनों से मात दी। जाफना की टीम लगातार दूसरी बार ये खिताब अपने नाम करने में सफल रही। टीम को खिताब जिताने में अविष्का फर्नांडो ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आतिशी बल्लेबाजी करते हुए 41 गेंदों पर 63 रनों की धुआंधार पारी खेली। जाफना किंग्स ने लंका प्रीमियर लीग के पहले सीजन 2020 में भी गाले को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा किया था। हम्बनटोटा में खेले गए किताबी मुकाबले में जाफना किंग्स ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए विकेट पर 201 रन बनाए। जाफना की तरफ से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए अविष्का फर्नांडो ने 63 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके समेत 2 छक्के भी लगाए, जबकि टॉम कोहलर ने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए 57 रनों की नाबाद पारी खेली। इन दोनों बल्लेबाजों के अलावा रहमानुल्लाह गुरबाज 35 और शोएब मलिक ने 23 रन बनाए। वहीं कप्तान थिसारा परेरा 17 रन बनाकर नाबाद रहे। गाले की ओर से मोहम्मद आमिर नुसान थुसारा और समित पटेल ने एक एक विकेट लिया। 202 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी गाले ग्लैडिएटर्स की टीम निर्धारित 20 ओवर पर 9 विकेट पर 178 रन ही बना पाई। हालांकि टीम की शुरुआत अच्छी रही, लेकिन कोई बल्लेबाज मैच को अच्छी तरह से समाप्त नहीं कर सका। गाले की ओर से ज्यादा 54 रन दानुष्का गुलथानिका ने बनाए। उन्होंने ये रन सिर्फ 21 गेंदों का सामना करते हुए कूटे। उन्होंने इस दौरान 7 चौके और 3 छक्के भी लगाए, जबकि सलामी बल्लेबाजी कुशल मेंडिस ने 29 रन की पारी खेली। लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के आउट होने के बाद गाले की टीम का कोई भी बल्लेबाज मैच जिताऊ पारी नहीं खेल सका। जाफना किंग की ओर से वानेंदु हरसंगा और चतुरंग डी सिल्वा ने 2-2 विकेट लिए। इस तरह पूरी टीम 20 ओवर में 178 रन ही बना पाई। जाफना ने यह मुकाबला 26 रनों से ही अपने नाम कर लिया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। और अधिक अपडेट के लिए बने रहें माई स्पोर्ट्स टाइम्स के साथ।